टॉम, माइक, मार्क, अपेरा, डोनाल्ड, बिल क्लिंटन, जस्टिन ट्रूडो, वड्डे वड्डे नेता तो लैके अभिनेता तक, इन्हां लोकां च इक गल कॉमन, जद भी इन्हां ने इंडिया का दौरा किया ताजमहल के दीदार जरूर किए। यह तो सिर्फ चुनिंदा नाम सी, पर यह लिस्ट बहुत ज़्यादा वड्डी आ। कोई आम होवे जां खास, इहदी खूबसूरती नूं कैमरे जां दिल च कैद कर लखां लोग इत्थे आउंदे ने, तां आखिर देखदे ही देखदे किवें ताजमहल पूरी दुनिया का सिंबल ऑफ लव बनिया। चिट्टे संगमरमर दे इस मकबरे ने किवें सत अजूबियां तों बनाई अपनी पहली थां, अज आपां अपने चैनल ते देखांगे। जमुना नदी के किनारे उत्तरी भारत विच स्थित दिल्ली तों 200 किलोमीटर की दूरी ते आगरा विच बनिया ताजमहल लखां लोकां दी इक मनपसंद जगह है। इसनों बनाउण वास्ते राजस्थान दे मकराना, जो कि 400 किलोमीटर दूरी ते है, उत्थों इह पत्थर नूं लिया के बनाया गया सी। 20 सालां दी दिन रात दी मेहनत सदके लखां मजदूरां दे खून पसीने नाल बनाया इह मकबरा अज दुनिया भर विच इक नंबर ते आउंदा है। 1643 विच यह मकबरा बन के तैयार होया सी। बहुत सारे कारीगर मजदूर दिन रात इहदी देखभाल ते निगरानी करते रहे। इहदे तैयार होंदे ही इहदा डांका पूरी दुनिया दे विच बचिया। बहुत सारे लोग इहनू देखण वास्ते, इहनू निहारन वास्ते दूरों दूरों ताजमहल आगरा आउण लगे। शाहजहान इह देख के बहुत खुश होया। वह अपने आप ते एक फकर महसूस करन लग्या। उम्र दे नाल शाहजहान बुढ़ा हो रहा सी, ते ओदे बच्चियां दे आपसी झगड़े होण लग गए। औरंगजेब उस समय अपने मुगल राज दी गद्दी ते बैठ गया। बचे अपनी जिंदगी दे आखरी 8 साल शाहजहान आगरे दे किले विच नजरबंद रहा। रातां नूं चंद दी रोशनी नाल चमकदा ताजमहल शाहजहान लई वक्त गुजारन दा एक जरिया बन गया। जद शाहजहान इस दुनिया तो चल वसिया, मुमताज दी कबर नाल शाहजहान नूं भी दफनाया गया। अजोके समय विच वख-वख देशां, वख-वख राजां तों बहुत सारे लोग इस जगह दे दर्शन दीदार करन इत्थे आउंदे हन। ताजमहल की मीनारों में मैथमेटिकल एंगल भी है। बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन मीनारों को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वो पूरी तरह से सीधी ना होकर थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई है। इस झुकाव को जानबूझकर बनाया गया था ताकि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो या भूकंप आए तो मीनारे ताजमहल पर ना गिर कर बाहर की ओर गिरे। है ना कमाल की सोच। डॉक्यूमेंट्री में ये भी जिक्र आ चुका है कि ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतों की एंग्रेविंग भी की गई है। इनको भी कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि करीब से तो इन्हें पढ़ा जा ही सकता है, पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो ऊपर लिखे आयत भी विजिबल रहते हैं। साथ ही ताजमहल को बनाने के लिए द गोल्डन रेशो कैलकुलेशन को यूज किया गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 और 34 को इन्फिनिटी तक लेकर आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि हर नंबर सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स है। जैसे 0+1=1, 1+1=2, 2+3=5, 3+5=8 वगैरह। अब इसी तरह अगर हर नंबर को उसकी प्रीवियस नंबर से डिवाइड किया जाए तो आउटकम लगभग 1.6 आएगा। जैसे 3 को 2 से डिवाइड करने पर 1.5, 5 को 3 से डिवाइड करने पर 1.6 और 8 को 5 से डिवाइड करने पर भी रिजल्ट 1.6 ही आएगा। इसे फिबोनाची सीरीज भी कहते हैं, जहां अगर 1/1 का एक स्क्वायर शेप यूज में लिया जाएगा तो अगला शेप 2/2 का होगा
फिर 3x3 का होगा और आगे 5x5। इसी तरह बढ़ते हुए कुछ ऐसा शेप तैयार होता है। इस तरह की ज्योमेट्रिकल डिजाइन से हर स्ट्रक्चर को एक विजुअल अपील मिलती है और वो स्ट्रक्चर दिखने में बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट होता है। इस डिजाइन को ग्रीस के पार्थेनन, फ्रांस के नोट्रेडाम, इजिप्ट के पिरामिड्स में भी इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि ताजमहल की खूबसूरती की दुनिया दीवानी है। तो ये तो थे कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, पर ताजमहल से जुड़ी बहुत सी अफवाहें भी है। ताजमहल से जुड़ी जो सबसे बड़ी अफवाह थी उसे आप भी जानते होंगे। जब भी ताजमहल घूमने जाइए तो टूर गाइड्स भी यही किस्सा सुनाते हैं कि बादशाह ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, पर इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है और ना ही किसी हिस्टोरियन ने अपनी किसी किताब में ऐसी किसी इंसिडेंट को मेंशन किया है। ताजमहल में जो कुरान की आयतों की नक्काशी दिखती है उसकी जिम्मेदारी अमानत खान को मिली थी। ताजमहल पर बने फूल इतने असली दिखते हैं कि आपको उन्हें छूकर देखने का दिल करेगा। रशियन राइटर हेलेना ब्लावत्स्की ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। ताजमहल में लगभग 40 अलग अलग प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं। जैसे हरे रंग के जेड स्टोन्स को वाया सिल्क रूट चाइना से मंगवाया गया था। नीले रंग के पत्थर लापीज लजूली अफगानिस्तान से आए थे। फिरोजा पत्थरों को तिब्बत से तो मूंगा को अरेबियन सी और रेड सी से लाया गया था। एस्ट्रोलॉजर्स अक्सर लोगों को रूबी यानी माणिक पहनने को सजेस्ट करते हैं। ताजमहल में ये पत्थर भी लगे हुए हैं जो श्रीलंका से आए थे और येलो अंबर स्टोन्स बर्मा से मंगवाए गए थे। कैट्स आई यानी लहसुनिया पत्थर इजिप्ट से आए थे। उस दौर में नीलम को अनलकी माना जाता था, इसलिए ताजमहल में नीलम का इस्तेमाल ना के बराबर हुआ है। ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया होगा, मॉडर्न डे में ये एस्टिमेट किया जाता है कि 1648 में ताजमहल जब पूरा हुआ होगा तब उसे बनाने में $32 मिलियन लगे होंगे, जो आज के हिसाब से लगभग $1 बिलियन है, यानी 800 करोड़ रुपए। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में ताजमहल को बनाने की मजदूरी ही लगभग 50 लाख रुपए अदा की गई थी। हिस्टोरियंस को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे ये दावा किया जाता है कि शाहजहां ने लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसका ज्यादातर हिस्सा शाही खजाने से खर्च किया गया था। किसी चीज को बनवाना ही काफी नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस पर काफी खर्चा आता है। ताजमहल के रखरखाव के लिए शाही खजाने पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए आगरा के आसपास बसे 30 गांवों से आने वाले टैक्स के पैसों से ताजमहल की मेंटेनेंस का फरमान जारी हुआ। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब मुगल बादशाह बने तो उन्होंने अपने वालिद को कैद कर लिया। शाहजहां बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने अपना आखिरी समय ताजमहल की दीदार में गुजारा। सन 1666 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी बेटी जहां आरा ने औरंगजेब से गुजारिश की कि अब्बू को शाही विदाई मिलनी चाहिए, पर औरंगजेब नहीं माने। शाहजहां को उनकी बेगम मुमताज के पास दफनाया गया। मुगल सल्तनत का जब सूर्यास्त हुआ तो हिंदुस्तान की हुकूमत लगभग अंग्रेजों के हाथों में जा चुकी थी। उन्होंने ताजमहल जैसी पाक जगह को अय्याशी का ठिकाना बना दिया। ताजमहल के आसपास हनीमून कॉटेज बना दिए गए, गार्डन्स में पिकनिक मनाए जाने लगे। ताजमहल में लगे अनमोल रत्न और पत्थर, बेशकीमती कालीन और नक्काशियां गायब होने लगी। विलियम बेंटिक जब ब्रिटिश गवर्नर बने तो ऐसी अफवाह भी उड़ी कि वो ताजमहल को गिराकर उसके मार्बल स्टोन्स की नीलामी करेंगे। 1857 के पहले इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अंग्रेज सैनिकों ने कई इमारतों में तोड़फोड़ की, पर खुशकिस्मती से ताजमहल बचा रहा। लेकिन कुछ ब्रिटिश गवर्नर्स भारत की वास्तुकला को बचाने में भी रुचि रखते थे। लॉर्ड कर्जन भी ऐसे ही थे और उन्होंने ताजमहल की मरम्मत पर खर्च भी किया। किसी भी जंग के दौरान हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स और साइट्स को नुकसान पहुंचने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा को तवज्जो दी जाती है। ऐसा ही कुछ ताजमहल के साथ भी था।